हेलो नमस्ते, मैं महेश। आज इस लाइव कहानी पाठ और संवाद के लिए यहाँ इस वॉल पर, जन सरोकार मंच टॉक की इस वॉल पर मैं अब शुरू करूँगा अपनी बातचीत। उससे इसके लिए मैं पहले जन सरोकार मंच टॉक का बहुत धन्यवाद देता हूँ कि उन्होंने मुझे ये मौका दिया कि मैं आज यहाँ आकर कहानी पाठ करूँ और उस पर थोड़ी बातचीत आप लोगों से करूँ। और मैं यहाँ जितने भी मेरे साथी आएंगे इस पे देखेंगे, मैं जिस तरह से जो अपनी कहानियाँ रखूँगा उन सभी का स्वागत करता हूँ शुरुआत में भी, और बाद में भी जो साथी आएंगे मैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और मैं अपनी बातचीत अपने परिचय से शुरू करता हूँ। मेरा नाम महेश है, मैं जयपुर में रहता हूँ, लेकिन मैं अपने काम के सिलसिले में देश के बहुत सारे हिस्सों में जाता रहता हूँ। और इसी जगह इन्हीं काम के सिलसिलों में जब जब मैं जाता हूँ तो मुझे लोगों की ज़िंदगी से रूबरू होने का मौका लगता है। बहुत सारे बच्चों से, महिलाओं से, पुरुषों से, ज़िंदगी के तरह तरह के रंग, उन्हीं में से कभी कुछ घटनाएं इस तरह की होती है कि मैं उनको कहानियों की तरह या कभी कोई छोटा मोटा गीत करके मैं उसमें ले लेता हूँ। तो आज जिस तरह का समय हमारे सामने है उसमें लॉकडाउन है, सारी दुनिया अंदर है, लेकिन ये टेक्नोलॉजी का कमाल है कि हम इसकी वजह से एक दूसरे से मिले हुए हैं, अपने विचार शेयर कर रहे हैं। यहाँ मैं जन सरोकार मंच के अपने साथी और कुछ लोग सभी का धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। लेकिन जो मेरे मित्र हैं देवेंद्र जो हैं, देवेंद्र ने मुझसे कई बार कहा कि मैं आकर ग्रुप पे या उनके यहाँ जन सरोकार मंच टॉक में जाकर बात करूँ, वो कभी हो नहीं पाया। तो शायद ये पहला मौका है जब मैं इस समूह पे आप सबके साथ आ रहा हूँ और इस बात को करना चाह रहा हूँ जिसमें मैं अपनी कहानी आज यहाँ रखूँगा। इस मौके पर मैं याद करना चाह रहा हूँ इन दो बड़े कलाकारों को जो अभी हमें छोड़कर चले गए, ऋषि कपूर साहब, इरफान खान, क्योंकि कला है जो माध्यम है हम सबको जोड़ रही है। कहानी हो, नाटक हो और फिल्में हो, गीत संगीत हो, तो यह भी एक कला का ही माध्यम है। ऋषि कपूर साहब की बात है और पूरी दुनिया उन्हें जानती है, लेकिन मैं यहाँ जिक्र करना चाहता हूँ इरफान खान का। इरफान खान का जिक्र याद इसलिए भी कि वो एक कलाकार तो हैं, लेकिन उससे पहले मुझे लगता है कि वो हमारा आदमी था। राजस्थान होने के नाते मैं जयपुर में हूँ और जयपुर का होने के नाते, और ख़ास तौर पे मैं इस मंच से अभी कहना चाहता हूँ कि टोंक के लोगों के लिए, क्योंकि टोंक इरफान खान का था, उसके नाना और बाकी लोग भी, उसकी बहुत सी यादें इस यहाँ से जुड़ी हुई थी। तो मैं आज के अपने इस कहानी पाठ को इरफान खान को समर्पित करता हूँ। मुझे उम्मीद है मैं जो कहानियाँ कहूँगा आप उसे सुनेंगे और मेरी कहानियाँ आप तक पहुँच पाएंगी। मैं दो कहानियाँ सोचता हूँ कि आपके सामने रखूँ, और इसमें ये कहानियाँ करीब 10-10 मिनट की होंगी, और इसके बाद में अगर हमें मौका लगता है तो मैं आपके साथ अपनी विचार, आपके प्रतिक्रियाएं ज़रूर जानना चाहूँगा और उस पर अपनी तरफ से कुछ जवाब देने की कोशिश करूँगा। और मैं अब अपनी कहानी शुरू करता हूँ। एक कहानी, ये कहानी पहले कभी कहीं छपी भी है या कहीं दोस्तों में कभी जिक्र हुआ था, लेकिन मुझे लगा कि मैं आज अपनी उस कहानी से शुरुआत करता हूँ। तो ये कहानी है हाँ वो चूहा, इस शीर्षक से ये कहानी। मैं अपने जो भी स्क्रीन पे जितने साथी मुझे दिख रहे हैं और कुछ तेज़ी से स्क्रीन मूव कर रही है तो हो सकता है नाम अभी नहीं बोल पाऊँ, विकास शर्मा जी, कैलाश जी, अनुराग, नीरज जी, अभिषेक जी और अभिषेक शर्मा और मेरे और भी साथी शायद कुछ स्क्रीन की वजह से, कौशल, प्रियंका, हाय तुम सबका मैं बहुत स्वागत करता हूँ, राम हापावत। मैं बीच में आपसे बातचीत शायद कर पाऊँगा। मैं अपनी कहानी शुरू करता हूँ हाँ वो चूहा। घर में जाने कैसे एक चूहा आ गया था। रसोई के सिंक में लगे पाइप के सहारे वो एक खाली जगह में रहने लगा। अच्छा एक बात और बताऊं, नहीं बताता नहीं हूं, आपसे पूछता हूं,
आप कैसे पता करते हो कि वो चूहा है कि चूहिया, स्त्री है या पुरुष, मादा है या नर। ऐसे ही ना कि अपने जन्म के 15-20 दिन के अंदर दिख जाए तो कहोगे कि चूहिया, और यही चूहिया महीने 2 महीने की होने पर आकार और वजन में बड़ी दिखने लगे तो चूहा। कैसे चूहिया और चूहा हमारा दिमाग, हमारी आदत और ज़्यादातर हमारी जुबान बना देती है। हाँ, तो वो चूहा सिंक के पास खाली छेद में रहने लगा। जब रसोई में कोई नहीं होता, ज़्यादातर रात के समय और मौका देखकर कभी दिन में भी, तो वो उस छेद में से पाइप के सहारे उतरता, खाना तलाशता, खाता और चला जाता वापस पाइप के सहारे फिर से उसी छेद में। आहा, कितनी व्यवस्थित, कैसी लाइफ सेटल हो गई थी चूहे की इस घर में। खाना, रहना, मजे करना। इस घर में 4 और लोग भी रहते थे, एक महिला, एक छोटी 5 साल की लड़की, एक लड़का 16 साल का और एक पुरुष 50 से 2-3 कम का। आप सोच रहे होंगे महिला की उम्र क्यों नहीं बताई। खैर, खाने की तलाश हमेशा उतनी आसान, निर्विघ्न नहीं होती, न इंसानों के लिए न दूसरे जानवरों के लिए। तो कभी रसोई में रखे बर्तनों से चूहा टकरा जाता, आवाज होती तो उन चारों में से कोई ना कोई कह उठता, रसोई में चूहा है। हाँ, शुरू में महिला कहती थी, एक चूहिया आ गई है जाने कैसे, हमेशा बंद रहने वाले दरवाजे के बावजूद भी। यह तो आपने भी महसूस किया होगा ना कि नए तरीकों से बनाए जा रहे इन मकानों में, जिनमें से कुछ कभी घर भी हो जाते हैं, ये वो मकान जो कभी कभी घर में भी बदल जाते हैं, में चूहों, गिलहरियों, चिड़ियों का आना जाना, खोना, सोना, चहचहाना आजकल दूभर हो गया है। और बाहर भी न ज़्यादा ऐसी ज़मीन बची है जहाँ चूहे बिल बनाकर रह सकें, और न ही ऐसी और इतने पेड़ ही बचे हैं कि जिन पर गिलहरी और चिड़ियाएं मज़े, सुरक्षा और सम्मान से रह सकें। तो चूहे को पकड़ने, बाहर करने, जहर देकर मार डालने तक की बात भी होती इस घर में। घर में रहने वाले चूहे को इन 4 लोगों की भाषा सुनाई तो देती होगी, आवाज़ सुनाई तो देती होगी, पर समझ नहीं आती होगी, जो इसकी सेहत और खुशी के लिए अच्छा ही होगा। वरना पकड़े जाने, जहर डालकर मार डालने की बात सुनकर वो हष्ट पुष्ट, तगड़ा, तंदुरुस्त और स्वस्थ नहीं रह पाता। आप सोचिए, कोई आपके लिए ऐसी बात कर रहा हो तो क्या आप रह पाएंगे स्वस्थ, खुश और सक्रिय। अंततः पिछले 2-3 महीने से पल बढ़ रहे इस चूहे को निकाल बाहर करने की सक्रिय योजना को अंजाम देते हुए एक दिन वो 50 से 2-3 कम का आदमी बाजार जाकर लोहे का पिंजरा खरीद लाया। पिंजरे में 2 दिन पुरानी बासी रोटी का टुकड़ा चूहे फंसाने में शामिल लोहे के तार के हुक में लटका दिया गया। ललचा ने फंसाने और शिकार कर लेने का यह कौशल इंसान ने आदिम काल से ही सीख लिया होगा। जानवरों, पंछियों का शिकार वाला यह कौशल इंसानों का शिकार करने के काम आता है, तब धोखेबाजी दगाबाजी कहलाता है। फर्क इतना ही तो है ना। मैं अपने साथियों को देख रहा हूँ, अनिल जी, पूजा जी देख रही हैं, और हरे सिंह जी, प्रिया शेखावत और मेरे कुछ साथी जहाँ से निकल गए। अगर मैं अभी ये जो कहानी के बीच में रुकना नहीं चाहता था, अगर कोई दिक्कत है तो मैं इस पे बात कर सकता हूँ क्या? मैं ये कहानी आप तक पहुँच पा रही है? तो आपने यहाँ तक सुना कि ललचा ने फंसाने और शिकार कर लेने का यह कौशल इंसान ने आदिम काल से ही सीख लिया है। जानवरों, पंछियों का शिकार वाला यह कौशल इंसानों का शिकार करने के काम आता है, तब धोखेबाजी दगाबाजी कहलाता है।
फर्क इतना ही तो है ना। तो रोटी के उस टुकड़े को पिंजरे में लगाकर रसोई में एक ऐसी जगह पर रख दिया गया जो कि पाइप से उतरकर रसोई की पट्टी पर चढ़ने वाली दीवार के रास्ते में था। 16 साला लड़के ने उस आदमी से कहा, ऐसा ना हो चूहा रोटी खाकर निकल जाए। और इस बात पर फिर दोनों हंसे भी। पिंजरा रखने के 10-15 मिनट ही गुजरे होंगे कि फटाक आवाज आई। रसोई के पास ही के कमरे में बैठे लड़के के मुंह से निकला, काय की आवाज आई है ये? टीवी देखने में मशगूल वो भूल गया था कि उनकी योजना ने परिणाम उगल दिया है। लगता है चूहा फंस गया। पलंग पर पसरे आदमी ने उत्साहित हो रसोई की तरफ दौड़ लगाई। चूहा फंस चुका था। 10 के करीब इंच के पिंजरे में शरीर से 5-6 इंची चूहा 5-6 इंची ही पूंछ के साथ घबराया सा इधर उधर भागने की कोशिश कर रहा था बमुश्किल। चूहे के साइज को देखकर बावजूद पिंजरे में होने के भी आदमी को घबराहट सी तो थी ही, पर अपने शिकार पर सफलता और बहादुरी दिखाते हुए पिंजरे को उठाकर रसोई से बाहर आ गया। अच्छा, आपने देखा है कुछ फोटो में लोगों को मरे हुए शेर पर पैर रखकर फोटो खिंचवाते हुए? देखना किसी म्यूजियम में आज भी लगे होंगे ऐसे चित्र। इससे शान बढ़ती है, इतिहास बनते हैं। पर चूहे को पिंजरे में पकड़ लेने में काहे की शान, काहे का इतिहास? अब दिन में चूहे को कहीं सूनी जगह छोड़ने जाओ तो लोग पूछ सकते हैं कि इसको कहाँ छोड़ोगे, किसी ना किसी के घर में ये फिर से घुसेगा। तो क्या हम ऐसा चाहते हैं क्या कि मेरे घर से चूहा निकल जाए, फिर कहीं भी जाए, हमारी तो बला टल जाए? वो लाइन भी याद आ रही है कि भगत सिंह पैदा हो पर मेरे यहाँ नहीं। तो चूहे को रात के अंधेरे में लोगों की नज़र बचाकर कहीं अपने घर से दूर छोड़ आने की योजना के साथ फिल वक्त चूहे को घर की छत पर रखाया गया। पिंजरे को दीवार के सहारे इस तरह लगाया गया कि कैसी भी कोशिश के बावजूद वो निकल ना सके, तो छत पर रखी एक ईंट भी इसके लिए काम में ले ली गई। चूहा जब पकड़ा गया तब महिला घर में नहीं थी। घंटे 2 घंटे बाद लौटी तो लड़के ने बताया कि चूहे को पकड़ लिया गया है। पकड़ लिया गया मानो कोई क्रिमिनल को पकड़ लिया गया। औरत ने थकी होने के बावजूद जोश में आकर कहा, अरे बढ़िया हुआ, कितने दिन से परेशान कर रखा था। कोई पूछे कि क्या परेशान किया तो हो सकता है तर्कशुदा कुछ बताया ना जा सके, पर आप चूहे हो तो आपको इस आधार पर ही परेशानी का कारण माना जा सकता है। अगर आपका साइज छोटा है तो इस आधार पर ही आपका शिकार किया जा सकता है। बस अब आपको आखिरी बात बता देना चाहता हूँ जिसमें वो 5 साल की लड़की भी है जो उस समय सोई हुई थी जब चूहा पकड़ा गया। जब महिला घर से बाहर कहीं घंटे 2 घंटे को गई हुई थी, नींद जैसे आ जाती है, गहरी से गहरी नींद चली भी जाती है, पूरी हो जाती है, हो गई होगी, और वो 5 साल की छोटी लड़की जाग गई। चूहे पर हो रही चर्चा उसके कानों में भी पड़ी तो अपनी उनींदी आंखों को मसलते हुए रोनी सी आवाज में बोली, कौन सा चूहा? वो रसोई वाला चूहा, 16 साला लड़के ने कहा। फिर पूछा, कहाँ है वो चूहा, मैं भी उसको देखूंगी। 50 से 2-3 कम वाले ने कहा, नहीं तुम रहने दो, हमने उसको ऊपर छत पर पिंजरे में बंद करके रख दिया है और रात को उसे छोड़ आएंगे कहीं। आवाज में रोना, रूठना और इच्छा शामिल करते हुए वो छोटी लड़की बोली, नहीं चूहे को कहीं नहीं भेजेंगे, यहीं रखेंगे अपने पास ही। चूहे को अभी देख लेने की उसकी जिद भी बढ़ती जा रही थी। 3 वयस्क 3 एडल्ट जिस बात पर सहमत हो गए हों, वहाँ कोई महज 5 साल का बच्चा उनसे विपरीत बात कहे और कहे क्या उस पर अड़ जाए तो खींच तो आएगी ही ना। तो आ गई।
साफ और जोर देकर कहा गया, नहीं, चूहे को घर में नहीं रख सकते। फिर थोड़ी नरमाई और चालाकी से उसे समझाते हुए बनावटी प्यार भी मिलाते हुए कहा, जब शाम हो जाएगी ना, तब अपन दूर जंगल में छोड़ाएंगे इसे। जंगल वाली बात झूठ थी, कहाँ बचे हैं जंगल। सूनी जगह को जंगल कहना झूठ था। और आगे कहा, जंगल में चूहा जमीन में एक छोटा सा बिल बनाकर रहेगा। यह समझाइश कम और धोखा ज्यादा था। लेकिन यह सब सुनते हुए उस 5 साला लड़की की नींद पूरी तरह खुल चुकी थी और खुशी भी इतनी बढ़ गई थी कि चेहरे पर भी नजर आने लगी थी। उसकी खुशी के कारण से वो तीनों वयस्क अनजान थे। छोटी लड़की खुश होते हुए बोली, अच्छा जंगल में, जहां वो शेर को जाल काटकर फिर से निकाल देगा। मैंने ये कहानी यहाँ खत्म होती है। ये थी कहानी हाँ वो चूहा। मैं अपने मुझे उम्मीद है मेरे साथियों तक ये पहुँच रही होगी, और मैं देख रहा हूँ बहुत से नाम जो मेरे साथी हैं, दोस्त हैं, रति जी, सीपी ब्रह्मा जी, राम, ये राम कोई सवाल पूछ रहे हैं, राम कुमार सिंह जी देख रहे हैं, और आनंद चौधरी जी, थैंक यू। मैं आप सभी का, जिनके नाम इस पे आ नहीं रहे हैं, और बाद में दीपक जी, आपने मुझे प्रोत्साहित किया, थैंक यू सो मच। तो ये एक कहानी थी जो इस तरह से मैंने रखी। आपकी प्रतिक्रियाएं बाद में इस पे आएगी। नूतन जी, थैंक यू सो मच, आप देख रहे हैं, और घरों में जंगल बनते जा रहे हैं, बिल्कुल आपकी प्रतिक्रियाओं पे हम बाद में बात भी कर सकते हैं। या ये मैं सोचता हूँ कि इस कहानी पर मैं व्यक्तिगत तौर पर भी आपके साथ बात करूँगा, लेकिन इस वॉल पर आप जितना जो कुछ बाद में प्रतिक्रियाएँ देंगे उस पर हम जवाब सवाल कर सकते हैं। तो ये कहानी थी हाँ वो चूहा। मैं अपने साथियों का, सभी का, जिनके नाम मैं यहाँ देख रहा हूँ, चंद्रवीर सिंह बहुत अच्छे कवि हैं, और मेरे दोस्त भाई, मज़ा आ गया, अवनिंद्र मान, मुझे आप सबको यहाँ देख के बहुत अच्छा लग रहा है। और हमने ये एक अजीब दौर है जो हमें शायद कुछ नई चीज़ें सिखा के जाएगा। कहानी सुनाना तो वही है, जब तक कि आप हुंकार ना भरें, सामने वाले आपको देख ना रहे हों, लोग आपसे आपकी आंखों में आंखें मिला के बात ना करें, कहानी के बीच में 2-4 चीज़ें और घुस जाएं, जब तक कहानी, लेकिन फिर भी जो है हमें उसी को बेहतर बनाने की कोशिश करनी है। प्रीतम जी, तो मैं अब एक और कहानी, सुषमा दोस्त, थैंक यू, चिन्मयी जी, थैंक यू, गुजरात तक कहानी चल रही है तो अच्छा लग रहा है। प्रिया, मैं एक और कहानी आपके सामने अभी रखता हूँ, ये कहानी भी 8-9 मिनट में ख़त्म हो जाएगी। ये कहानी जैसे ये थी हाँ वो चूहा, इस कहानी का मैंने शीर्षक रखा खौफ। और इस कहानी के साथ में एक छोटी सी बात बता के कहानी तुरंत शुरू करता हूँ। ये कहानी एक वक्त कहीं 5-6-7 साल पहले शायद कहीं छपी थी। नमस्ते मोहन श्रोत्री सर जी, शिव शिव नमस्ते। ये कहानी जब छपी तो मेरे पास फ़ोन आया था और कहा कि हम आपकी ये कहानी छापना चाहते हैं, और ये कुछ बच्चों के संदर्भ में है, अगर आप देखेंगे तो शायद ऐसा आए। लेकिन उन्होंने मुझसे शर्त रखी कि आपने इसका जो टाइटल भेजा है खौफ, हम इसको बदलना चाहते हैं, क्योंकि कहानी जिस तरह के सब्जेक्ट पे है इसका टाइटल भारी पड़ रहा है। और मैं ये प्रसंगवश बता रहा हूँ, ये उस दिन की बात है जब मेरी माँ को गुजरे, 3रा दिन था, दिए की बैठक थी, उस वक्त फ़ोन आया था। तो मैंने कहा, जी जो आपको करना है करिए, मेरी मदर इस तरह अभी एक्सपायर हो गई थी, मैं थी। उन्होंने कहा, सॉरी भी बोला, लेकिन उन्होंने बाद में इस कहानी को जब छापा तो इसका शीर्षक किताब में बदल गया था, बचपन संकट में शायद इससे। लेकिन ये कहानी है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ, मुझे उम्मीद है कि आप तक ये कहानी पहुंचेगी। नमस्ते बाटा भूर्जी, ये फ्रांस से देख रही हैं, तो बहुत और भी अच्छा लग रहा है कि मुझे उम्मीद है कि फ्रांस और पूरी दुनिया में लोग बेहतर होंगे यूरोप में, क्योंकि इस कहानी में यूरोप का जिक्र आएगा। अंशुल जी, रमेश शर्मा जी, और थैंक यू सभी दोस्तों। मैं अब ये कहानी खौफ, खौफ नाम से इसको पढ़ना शुरू करता हूँ। खौफ। सुबह 11 बजे की ट्रेन थी, मुश्किल से 5 मिनट पहले स्टेशन के बाहर पहुंचा, टैक्सी वाले को 50 का नोट पकड़ाया, उसके 40 बनते थे,
जेबें टटोलते हुए उसने कहा, खुले नहीं हैं क्या साहब? सुनते ही मैंने कहा, जल्दी देखो यार, तुम्हारे पास होंगे। कहते हुए मैंने अपना भी पर्स टटोला। ध्यान बार बार स्टेशन के अंदर जा रहा था। अधमरी आवाज़ में टैक्सी वाला बोला, पाँच ही हैं साहब। उसके हाथ से पाँच का सिक्का छीन कर अपना बैग कंधे पर लटकाए मैं भागा स्टेशन के अंदर। टिकट खिड़की पर कोई यात्री नहीं दिखा तो मन में धक्का लगा। मैंने सोचा शायद ट्रेन चली गई है। पास की खिड़की पर पूछताछ लिखा देखा तो खिड़की में झुकते हुए मैंने पूछा, जयपुर वाली ट्रेन? वाक्य पूरा सुनने से पहले ही अंदर बैठा नौजवान बोला, 2 घंटे लेट है। हाय, मेरी हमारी साथी वंदना जी, मुरारीलाल जी और सभी के लिए एक बार फिर से मैं पूरी कहानी के बाद फिर से बात करूंगा। नौजवान ने बोला, ट्रेन 2 घंटे लेट है। ट्रेन के लेट होने पर भी कितनी खुशी, कितना संतोष हो सकता है, एक ही पल में मैंने महसूस किया। टिकट खिड़की की तरफ देखा, अब वहाँ 2-3 लोग आ खड़े थे। कंधे का भारी बैग उतार कर मैं भी उनके पीछे लग गया लाइन में। मुश्किल से 5 मिनट में ही आबू से जयपुर का साधारण क्लास का टिकट मेरे हाथ में आ गया था। ट्रेन आने में पूरे 2 घंटे बाकी थे। पानी की एक बोतल ली और एक बार में ही आधी कर दी। गले में तरावट महसूस हुई। कंधे का भारी बैग अब एकदम हल्का लगने लगा। स्टेशन की दुकानों के होर्डिंग और सामग्रियों के नाम पढ़ता हुआ मैं मुसाफिर खाने की तरफ बढ़ा। एक दुकान किताबों की दिखाई दी। अखबार लेने की इच्छा से मैं उस तक गया, अखबार नहीं थे। 5-7 मिनट खड़े रहकर दुकान में सजी किताबों को देखता रहा। पाक्षिक, मासिक मैगजीन, हिंदी उपन्यास, फिल्मी पत्रिकाएं और ढेर सारी अमीर और सफल बना देने वाले शीर्षकों की किताबें भी वहां पर थीं। कुछ भी लेने का मन नहीं हुआ। दुकान से मुड़ने लगा कि एक चित्र ने ध्यान खींचा। एफिल टावर पर एक बंदर और एक खरगोश बैठे थे। वही एफिल टावर जहां से मेरी एक दोस्त अभी मुझे सुन रही है। पर्यटन विशेषांक लिखा चंपक का नया अंक था, हमारे बचपन की किताब चंपक। मूल्य 15 रुपए भी कवर पर ही लिखा था। काउंटर पर से उठाकर 1-2 सेकंड में ही उलट पलट कर दुकानदार से कहा, ये दे दो। किताब लेकर मैं मुसाफिर खाने में लगी सीमेंट की सीट पर आ बैठा। कोने में लगी ये सीट अब आरामदायक महसूस हुई। बैग पर हाथ टिका अध पसर कर मैंने चंपक पढ़ना शुरू कर दिया। यूरोप के अलग अलग देश और वहां की देखने लायक जगहों और इमारतों के बारे में अंदर लिखा था। कुछ देशों के प्रसिद्ध चित्र भी इसमें बने थे। चंपक के प्रसिद्ध पात्र आपको याद होंगे, बंदर, खरगोश, लोमड़ी, भालू बातों बातों में ही यूरोप की यात्रा करवा रहे थे। इन दिनों यूरोप हमारी चर्चाओं में है, उसकी तरफ हमारा ध्यान भी है, चिंताएं भी हैं। मैं एक के बाद एक कहानी पढ़ता जा रहा था। लगभग 30-40 मिनट तक मैं किताब में खोया रहा। अचानक महसूस हुआ कोई मेरे पैरों के पास है। किताब की ओट में से ही मैंने देखा, 2 लड़के थे, दोनों 9-10 साल के होंगे। रेलवे स्टेशन की गंदगी में से कचरा बीनने वाले ये दोनों लड़के मेरे बेंच से लटकते पैरों के पास झुके हुए थे। घुटनों को मोड़कर, उन पर हाथ टिकाकर दोनों मेरे हाथ की किताब के कवर को देख रहे थे। पास में ही उनके 2 मैले प्लास्टिक के बोरे भी रखे हुए थे, दोनों के 2 अलग अलग बोरे। मैं किताब में देख रहा था पर ध्यान उनकी तरफ था। मैं खुद को बिना हिलाए डुलाए ज्यों का त्यों बैठा रहा ताकि वो कवर को जितना चाहें देखते रहें। कुछ कुछ बोलते हुए वो धीरे धीरे हंस भी रहे थे। एक लड़के ने किताब का कोना पहले छुआ और फिर पकड़ भी लिया। मुझसे नजरें मिली, मैं तुरंत मुस्कुराया। लड़कों का हौसला बढ़ा। मैं चाहता भी यही था। एक लड़का अपने ही कचरे के बोरे पर आराम से बैठकर किताब की ओर देखने लगा। घुटनों पर हाथ टिकाए टिकाए वो थक गया होगा,
उसी ने किताब के बीच में से दिख रहे पन्ने पलटने की कोशिश की। मैंने बिना बोले बिना टोके उन्हें सहमति दे दी थी कि वे और आगे बढ़ें जितना बढ़ सकते हैं। दोनों की गहरी रुचि थी उस किताब में और उसके कवर में भी। मैं बोला, लो अच्छी तरह देख लो। दोनों में से एक बोला, नहीं ऐसे ही रहने दो। मैंने किताब एक लड़के के हाथ में छोड़ते हुए कहा, अरे देख लो यार अच्छी है। उन्होंने झिझकते हुए किताब के पन्ने पलटना शुरू कर दिया। वो झिझक रहे थे कि उनके मैले काले गंदे हाथों से कहीं किताब मैली ना हो जाए। पन्ने पलटते रहे और खुशी तरह तरह से उनके चेहरों पर दिखाई देती रही। मैं देखता रहा। मैंने धीरे से पूछा, तुम पढ़ना जानते हो? ये जानता है, सफ़ेद गोल गले वाली घुटनों तक लंबी और मैल से काली हो चुकी टी शर्ट पहना हुआ लड़का बोला। 2-3 मिनट गुजर गए, वो दोनों किताब में खोए रहे। अब की बार मैंने उनका नाम पूछ लिया। एक ही लड़के ने दोनों का नाम बता दिया, खुद का विनोद और दूसरे का मनीष। अब की मैंने पूछा, कहाँ रहते हो? किताब में नज़र गड़ाए गड़ाए हुए ही बोले, लेन के पार वर्कशॉप में। तुमको ये किताब अच्छी लग रही है क्या? मैंने पूछा। दोनों ने मुस्कुराते हुए मेरी तरफ देखा। मैंने फिर पूछा, बताओ अच्छी है क्या ये किताब? हाँ अच्छी है, लड़के ने कहा। स्टेशन पर लगी इलेक्ट्रॉनिक पट्टी पर समय साफ नज़र आ रहा था। 12:50 हो रहे थे। मेरी ट्रेन आने में 10-1 मिनट बचे थे। ट्रेन आने का अनाउंसमेंट भी हो चुका था। मैंने दोनों लड़कों से पूछा, तुमको पढ़नी है क्या ये किताब? दोनों ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरी और किताब को बढ़ा दिया। तुम रख लो, तुम ही ले लो, पढ़ लेना। ऐसे ही कुछ वाक्य मैंने बोले और लगभग जबरदस्ती उनको वो किताब दे दी। चंपक, यूरोप के अति विकसित देशों की कहानी वाली पर्यटन विशेषांक बाल पुस्तक। दोनों लड़के वहीं खड़े खड़े किताब में झांकते रहे। मैं मुसाफिर खाने से निकलकर प्लेटफॉर्म पर आ गया। ट्रेन भी आ चुकी थी और रुकने से पहले रेंगती हुई सी आकर पटरियों पर खड़ी हो गई। यात्री भागम भाग में थे। चढ़ने वाले उतरने वालों के उतरने से पहले ही ट्रेन में चढ़ जाना चाह रहे थे। रास्ता साफ होने के इंतज़ार में एक डिब्बे के दरवाजे के आगे मैं भी खड़ा हो गया। बैग को संभालता हुआ मैं डिब्बे में चढ़ने ही वाला था कि वो दोनों ही लड़के दिखाई दिए। दोनों मेरी तरफ ही आ रहे थे। मैंने दोनों की तरफ देखकर स्माइल दी और उनकी तरफ देखने लगा। वो मेरे पास आ गए और पास आकर रुक गए। जहाँ तक याद आ रहा है, मनीष ने अपने कचरे के बोरे में हाथ डाला और उसमें से कुछ निकाला। उसके हाथ में वो किताब थी, चंपक। मेरी ओर बढ़ाते हुए बोला, ये लो आपकी किताब। मैंने उसकी आवाज़ में थोड़ी घबराहट महसूस की। मैं बोला, तुम रख लो, वापस क्यों दे रहे हो? क्या ये वापस देने यहाँ आए हो? हाँ, अब की बार विनोद बोला, हमारे पास किताब देखेंगे तो पुलिस वाले मारेंगे। उसकी बात सुनकर मैं चकराया और बोला, किताब देखने पर, किताब पढ़ने पर पुलिस वाले क्यों मारेंगे? नहीं मारेंगे, रख लो। अब मनीष ने चारों तरफ गर्दन घुमाई और डरते हुए बोला, नई किताब हमारे हाथ में देखेंगे तो पुलिस वाले कहेंगे हमने इसे दुकान पे से चुराया है। अब एक भी शब्द मेरे मुंह से नहीं निकल सका। महसूस हुआ जैसे गले में कुछ अटक सा गया है, कड़वा कसेला सा। हाथ बढ़ाकर मैंने किताब पकड़ ली। मैं दोनों लड़कों की तरफ देखता रहा, बिल्कुल ऐसे जैसे गुप्त अंधेरे में कुछ देखने की कोशिश कोई कर रहा हो पर कुछ नज़र ना आता हो। कुछ दिखाई नहीं दिया। गाड़ी ने सीटी दी तो मैं डिब्बे में चढ़ गया। कंधे का बैग गैलरी में पटक कर वापस प्लेटफॉर्म पर झांका। गाड़ी चल दी थी। लोग अपने रिश्तेदारों को हाथ हिलाकर विदा कर रहे थे। गाड़ी ने स्पीड पकड़ ली थी। प्लेटफॉर्म पर की भीड़ थोड़ी कम हुई तो नज़र आया दोनों छोटे लड़के अपनी पीठ पर कचरे के बड़े बोरे लादे चले जा रहे थे पीछे की ओर। ये मेरी दूसरी कहानी थी। मुझे उम्मीद है
मैं अपनी कहानी आप तक पहुंचा पाया और मैं अपने साथियों के नाम यहाँ देख रहा हूँ, शीश राम जी, सुनीता जी, जयशंकर जी, इंदु जी, ये सारे बहुत सारे मेरे बहुत सीनियर लोग हैं मेरे, जिनके साथ काम करता रहा हूँ। बहुत सारे ऐसे हैं दोस्त हैं जो फेसबुक पे ही बहुत अच्छे दोस्त हैं, बहुत सारे सीनियर दोस्त हैं, बहुत सारे जूनियर हैं, और बराबर वालों की भी कमी नहीं है। और बहुत सीनियर लेवल, रति जी, नूतन जी और लोग, रवि, रविकांत हमारे दोस्त, और ज्योत्सना जी, प्रीतम जी, और ये कहानियाँ थी शिल्पी, आनंद जी। तो मैं साथियों, ये पहला अवसर है जब हम इस तरह कहानी पर बात कर रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि अगर आपकी कोई ऐसी प्रतिक्रिया हो जो आप यहाँ रखना चाहें और मुझसे सवाल की तरह पूछें और मैं समझ पाऊँ, तो मैं उसका जवाब एक दो मिनट में हम बात कर सकते हैं। बाकी मुझे बहुत खुशी है, और सभी के नाम देख के और आप लगातार इस पर बने हुए हैं, तो मेरा बहुत उत्साहवर्धन आप लोगों ने किया है। अगर कोई सवाल होगा तो मैं आपके साथ बात कर सकता हूं, और आपके बाद में भी ज़रूर इस पर प्रतिक्रिया दें। हमारे साथी ये चाहते भी हैं ताकि हम बाद में करें या मैं आपसे पर्सनल जवाब दूँ। दोस्त मेरे निशा दिल्ली से, और आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद, और इस मीडियम का भी, इस टेक्नोलॉजी का, कि जो हमें आज अकेले स्टे होम, स्टे सेफ, लेकिन इसके बगैर काम नहीं चलता कि हम आपस में मिले नहीं, एक दूसरे से शेयर ना करें अपने दिल की बातें, अपने अनुभव, अपने कहानी गीत, और इसी से हम एक दूसरे से जुड़े रहेंगे, मजबूत रहेंगे। मैं जन सरोकार मंच टॉक का शुक्रिया अदा करता हूँ, मेरे सभी दोस्तों का, मेरे सभी साथियों का जो अभी जुड़े हैं और बाद में भी जो इसको देखेंगे। थैंक यू सो मच, आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर कोई आपका सवाल होगा तो मैं ज़रूर प्रतिक्रिया स्वरूप बाद में भी बात कर सकता हूँ या अभी भी। थैंक यू सो मच।